सो हेलो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है विपुल और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 10th स्टैंडर्ड के साइंस पोर्शन से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट है काफ़ी क्रिस्टल कट क्लियर तरीके से लर्न करवा रहे हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने पार्ट वन पार्ट टू क्लियर कर पार्ट थर्ड अपलोड कर रहा हूँ, तो बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं काफ़ी कुछ आने कपड़े एलर्ट डिस्कस है। बिफोर वी कैन गो टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्चुअल में संगमरमर जो बनता है किससे बनता है इस पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कली चूना में यानी कि CaO में यानी भूचा हुआ चूना में जब हम यहाँ पर इस तरीके से CO2 को यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं CO2 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैल्शियम एक देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन भी एक है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर दो है, ठीक है। ऑक्सीजन का दो परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मिलकर कितना हो गया, तीन हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका है जो केमिकल नेम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है CaCO3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो ये एसिड का हो जाएगा। किसका होगा गाइस, एसिड का होगा, अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं कीटोन का जान लेते हैं। तो डबल बॉन्ड CO आएगा तो ये कीटोन का होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन का। LDIH का क्या होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड CHO होता है, ठीक है। इस तरीके से LDIH का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण का जब हम रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में जब पेड़ पौधा क्या होता है कि जल से यानी कि जो कि जड़ से यहाँ पर जल ले लेता है, कहीं से लवण लेता है, ठीक है। तो यहाँ तो इस तरीके से वहाँ पर बनता है क्या कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इस तरीके से प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो जस्ट यहाँ पर ग्लूकोज निकला है, डबल ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी जल में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा ग्लूकोज और यहाँ से जल से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ए वाला होगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जल से निकलेगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जल से यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पूछेंगे ग्लूकोज कहाँ से निकलता है, तो वो निकलेगा आपको CO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ पर जो क्लोरोफिल का केंद्र बिंदु होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर पेड़ों की पत्ती जो हरी होती है, क्लोरोफिल बढ़ना के कारक हरी होती है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से। इंसुलिन की कमी के कारण कैंसर रोग होता है, इंसुलिन की कमी जो होता है तो ब्लड में यहाँ पर डायबिटीज़ के यहाँ पर डायबिटीज रोग होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर यू। आयोडीन की कमी से जो कि घेंगा रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट को यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ से दृश्य प्रकाश, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो इस तरीके से कोई फ्रिज में होता है, फ्रिज पर जब हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो इन सात रंगों में अभी रंगों में टूट जाता है। तो सात रंग में टूटता है तो वहाँ पर सबसे जो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है रेड का होता है, क्योंकि इसका झुकाव कम होता है और बैंगनी का झुकाव सबसे अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेड का झुकाव कम रहा है तो यानी कि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेड ऑप्शन होगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। और विभवांतर का वोल्ट होता है और कार्य ऊर्जा का फिर जूल होता है और आवेश का क्या होता है कूलम होता है। देखिए इसके साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो एक्चुअल में टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर फॉर यू। नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे भारी परमाणु की आवश्यकता होती है, तो इन लोगों का तो परमाणु संख्या काफ़ी कम होता है, ठीक है, इसके मुकाबले यूरेनियम के। तो यूरेनियम का 92 होता है, ठीक है, ये सबसे भारी परमाणु है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस ज़्यादातर के जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो CO2 जो कि ग्रीन हाउस है ये ज़्यादा जिम्मेदार होता है, इसका वायुमंडल में परसेंटेज होता है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है।
यहाँ पर लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो कि निम्न किससे निकाला जाता है, तो ये यहाँ पर लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है गाइस, कैसे निकाला जाता है? लाइकेन से। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर यू। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जीन से क्रिया करवाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Na2ZnO और O2 प्लस H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। किसी विलियन में उदासीन विलियन का pH वैल्यू क्या होता है? ठीक है, तो 0 से यहाँ पर 7 तक होता है, 7 से 14 तक होता है। ठीक है, pH वैल्यू, ठीक है, फुट यहाँ पर स्केल होता है, तो 7 पर उदासीन होता है, 7 से पहले अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 पर उदासीन होता है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट इसका केमिकल नाम है। सोडियम Na हो गया, बाई को H बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट को CO3। ठीक है, इस तरीके से CO3। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए इज़ द राइट आंसर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ये कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट का, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक्वारेजिया का यहाँ पर मिश्रण पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक्वारेजिया में मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए HCl और HNO3, ठीक है, इसका रेशियो बताना है। तो इस तरीके से इसमें 3:3 से इसमें इनसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर एक है तो उधर कर दीजिए। ठीक है, 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है किसमें? तो ये अमीबा में होता है, द्विखंडन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल का नर प्रजनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंडारू निषेचित होता है, अंडारू का निषेचन कहाँ होता है? तो ये फिलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, गर्भाशय में नहीं, गर्भाशय में तो बेबी का विकास होता है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है गाइस, ये वाला होगा, फिलोपियन ट्यूब होगा। ठीक है, यानी कि फिलोपियन नलिका से होती है। ठीक है, और लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस में, ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम बराबर लेंस में प्लस होगा और दर्पण में माइनस होगा, तो वी बाई यू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में कक्षांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ये H=2 होता है, R/2। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से R जब निकालेंगे, R निकालोगे तो क्या आएगा, 2 में जब F से मल्टीप्लाई तो 2F आएगा, क्या आएगा, 2F। तो R=2F। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर यू। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और इसके बाद में आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस का भी सीरीज लेकर आऊँगा। तो यस, वीडियो का एंडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गॉट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।